नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज के जलालपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भवानीपुर प्रताप गांव में रविवार को शराबी पति ने हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी को जेवर न देने पर बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद घायल महिला को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। घटनाक्रम के अनुसार भवानीपुर प्रताप निवासी मंजू पत्नी टिन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के समय उसका पति टिन्ना घर आया और उससे जेवर की मांग करने लगा। पीड़िता ने बताया कि उसका पति शराब का लती है। जब उसने जेवर देने से मना किया तो उस पर उसने पीड़िता को बुरी तरह मारा पीटा। घायल महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। कन्नौज से सीबू सैनिक की रिपोर्ट। मंजू जी, किस वजह से आपके पति ने मारा है, क्यों मारा था? मेरे पति ने, मैंने घर रहे थे, रोटी बना लिया था, इन्होंने आया, मैंने रोटी किया, इन्होंने हमसे जेवर मांगा। मेरे जेवर एक दिन भी नहीं रहे, ताला तोड़ के उठा ले गया। गुच्ची भी मेरी आज भी आए, ने रुपया मांगे हमसे, बोली मैंने रुपया मेरे तीन नहीं है, कहाँ से दे। इन्होंने मारा तोड़ा, बोले तुम्हें मार डालेगी, जो सजा होगी मैं काट लेऊंगा। उन्होंने हमें डंडा के लटिया से खूबे इन्होंने मारा। कौन कौन लोगों ने मारा था? ये इनके साथ में दोस्त भी है, चौधरिया के लल्ला है। पति क्या नाम है आपका? पति के नाम टिन्ना। कहाँ रहते हैं? भवानीपुर प्रताप। आप कोतवाली गई थी रिपोर्ट कराई? नहीं, हम रिपोर्ट करने सब भाई साहब आ रहे थे। जब मैंने घर से निकले तिराए पर, मैंने मेरे होश की नहीं थी, मैंने वहीं गिर पाया पूरे मेरे फोन से सोना। तिराए पर वाले ने हमें 108 नंबर फोन करके उन्होंने हमें अस्पताल भेजा। जब हमारे में जैसे लगा, उन्होंने मेरे मुँह में पानी डाला, तब मेरे होश आ गए। आ दिन हमको मारता है, कहता मार डालेगी तू मेरा, तीन तीन मत चलेगी। तो क्या दहेज की मांग करता है, किस लिए मारता है? अपने क्या नशे का सेवन करता है? क्या नशे का? नहीं भैया, रंडी बाजी करता है, शराब पीता, खेत जो राजू तो खेत भी बेच दिया। हम तीन तीन मत चलेगी। क्या बच्चे हैं आपके? मेरे दो लड़के हैं, एक लड़की है। कितने बड़े हैं? अभी बेटी 6 साल की है, 5 साल की, 4 साल की। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।